हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम गाइस टुडे इन दिस लेसन अगेन वी आर गोइंग टू लर्न 45 प्लस वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस व्हिच आर स्पोकन इन आवर डेली कॉन्वर्जेसन सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड लेट्स हैव अ लुक आप कितनी देर सोएंगे हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप हाउ लॉन्ग विल यू स्लीप साढ़े बज गए हैं इट्स नाइन इट्स नाइन क्या तुम चुप रहोगी विल यू अप विल यू शर्ट अप इस बात की किसी को परवाह नहीं है नो बड़ी केयर्स अबाउट दिस नो बड़ी केयर्स अबाउट दिस इससे तुम्हारा क्या लेना देना वॉट डज इट हैव टू डू विथ यू वॉट डज इट हैव टू डू विथ यू तमाशा खड़ा मत करो डोंट मेक अ फर्स डोंट मेक अ फर्स नेक्स्ट वन इज मेरा मुंह मत खुलवाओ डोंट मेक मी से इट डोंट मेक मी से इट आप इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हो हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश अगला सेंटेंस से है हमारा यहाँ आ जाओ गेट ओवर हेयर गेट ओवर हेयर क्या आपने कोई अनजान व्यक्ति को आते हुए देखा हैव यू सीन एनी अननोन पर्सन कमिंग हैव यू सीन एनी अनोन पर्सन कमिंग नहीं मैंने नहीं देखा नो अर्जेंसी नेक्स्ट वन इज मुझे तुम्हारी वजह से वहाँ रोज जाना पड़ रहा है तो फ्रेंड्स इसे हम बोलेंगे आई एम हैविंग टू गो दियर एवरी डे बिकॉज ऑफ़ यू आई एम हैविंग टू गो दियर एवरी डे बिकॉज ऑफ़ यू यह रोटी खाई हुई है इसका मतलब है इस रोटी में से किसी ने थोड़ी रोटी खा ली है और थोड़ी ही बची है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं दिस चपाती इज इटेन दिस चपाती इज इटेन नेक्स्ट डे आजकल बहुत तंगी चल रही है तो इसकी इंग्लिश होगी फ्रेंड्स आई एम आउट ऑफ पॉकेट दिस डेज आई एम आउट ऑफ पॉकेट दिस डेज कोई नाराजगी नहीं है नो हार्ड फीलिंग्स नो हार्ड फीलिंग्स नेक्स्ट टेप पापा रास्ते में है पापा इज ऑन द वे पापा इज ऑन द वे वो आते ही होंगे ही मस्ट बी कमिंग ही मस्ट बी कमिंग तब तक आप बैठिए और कुछ चाय या कॉफी लीजिए टिल देन यू सीट एंड हैव सम टी और कॉफी ट दे न्यू सीट एंड हैव समी और कॉफी दैट मीन्स जब तक पापा नहीं आ जाते तब तक आप बैठिए और कुछ चाय या कॉफी लीजिए आपका बेटा बहुत अच्छी खातिरदारी करता है योर सन केयर्स वेल योर सन केयर्स वेल नेक्स्ट वन इज वो देखते ही देखते अचानक से गायब हो गया ही सडनली डिस बिफोर द आईज फ्रेंड्स देखते ही देखते वो इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर द आइज ही सडनली सबसे छोटा बेटा है राजेश इज हर यंगेस्ट सन राजेश इज हर यंगेस्ट सन इसीलिए उसको ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है तो इसे हम बोलेंगे फ्रेंड्स डियर फोर ही इज लव्ड मोर डियरली डियर का मतलब होता है फ्रेंड्स इसीलिए डियर फॉर ही इज लव्ड मोर डियरली अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा बेबी रोने लगी द बेबी बिगेन टू क्राई द बेबी बिगेन टू क्राई नेक्स्ट वन इज व पढ़ाई करने में मग्न है शी इज ऑब्जर्व्ड और यू कैन से इन्ग्रोस्ड इन स्टडी शी इज इन्ग्रोस्ड इन स्टडी इन्ग्रोस्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी काम में बिजी होना या फिर तल्लीन होना मग्न होना अगला सेंटेंस है हमारा मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू का टाइम नहीं है आई डोंट हैव स्पेयर टाइम फॉर यू आई डोंट हैव स्पेयर टाइम फॉर यू नेक्स्ट डे टी वी चला दो टर्न ऑन द टी वी टर्न ऑन द टी वी नेक्स्ट वन इज आईने को अच्छे से साफ करो क्लीन द मिरर प्रॉपरली क्लीन द मिरर प्रॉपरली मैं हफ्ते में एक बार मंदिर जाती हूँ आई गो टू द टेम्पल वंस अ वीक आई गो टू द टेम्पल वंस अ वीक नेक्स्ट वन इज मैं आपको यह नहीं करने दे सकती आई कैंट लेट यू डू इट आई कैंट लेट यू डू इट सीधे बैठो सिट अप स्ट्रेट सिट अप स्ट्रेट नेक्स्ट वन इज क्या आपने खाना खा लिया है हैव यू हैड योर डिनर हैव यू हैड योर डिनर नेक्स्ट डे ठंड के कारण मेरे दांत कित किटकिटा रहे थे तो इसे हम बोलेंगे आई वॉज ग्रीनडिंग द टीथ ड्यू टू द कोल्ड दैट किट किटाना को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीन द टीथ आई वॉज ग्रीडिंग द टीथ ड्यू टू द कोल्ड नेक्स्ट वन इज सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है इट गेट्स डार्क ऑर्ली इन विंटर इट गेट्स डार्क अर्ली इन विंटर नेक्स्ट वन इज वह तो बॉस का चमचा है तो इसे हम बोलेंगे ही इज अ अफेंट ऑफ बॉस सिकफेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स चापलूस या फिर चमचा जिसे हम बोलते हैं ही इज अ सिकफेंट ऑफ बॉस नेक्स्ट वन इज मेरी नकल करना बंद करो जैसे कई बार बच्चे हमारी नकल करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि मेरी नकल मत करो या फिर मेरी नकल करना बंद करो तो इसे हम इंग्लिश में कुछ ऐसा बोल सकते हैं स्टॉप इमिटेटिंग मी स्टॉप इमिटेटिंग मी इमिटेट का मतलब होता है नकल करना या फिर किसी का अनुसरण करना मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए तो इसे हम बोलेंगे आई वॉन्ट यूर ब्लेसिंग्स आई वॉन्ट यूर ब्लेसिंग्स नेक्स्ट वन इज मैं तुम्हें फोन नहीं कर पा रही थी आई वॉज अनेबल टू कॉल यू अप आई वॉज अनेबल टू कॉल यू अप या फिर हम इसे और एक तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि आई वॉज नॉट एबल टू कॉल यू अप आपको कल यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है यू डोंट नीड टू कम हियर टुमारो यू डोंट नीड टू कम हियर टुमारो आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा यूर गुड्स विल बी डिलीवर टू योर होम गुड्स का मतलब होता है सामान्य सामग्री तुम्हें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है यू डोंट नीड टू लूज हट यू डोंट नीड टू लूज हट या फिर अगर आपको बोलना हो कि दिल छोटा मत करो तो आप बोल सकते हो डोंट लूज हर्ट डोंट लूज हर्ट लेट्स मोर द नेक्स्ट वन जब मैं घर पहुंचा तब मम्मी खाना बना रही थी मम्मी वॉज कुकिंग द फूड वेन आई रेस्ट होम मम्मी वॉज कुकिंग द फूड वेन आई रेस्ट होम नेक्स्ट वन इज उसके घर की नीलामी की जा रही है His house is being auctioned. His house is being auctioned. Auction का मतलब होता है नीलामी उसकी इज्जत दाव पर लगी है His honor is at stake. His honor is at stake. स्टेक का मतलब होता है दाव नेक्स्ट वन इज शांति पैसों से नहीं खरीदी जा सकती पीस कैन बी बॉट बाय मनी पीस कैन बी बॉट बाय मनी इस घर की सफेदी करने की जरूरत है This house needs to be whitewashed. This house needs to be whitewashed. वो खुद कर लेगा। He will do it himself. He will do it himself. भगवान की यही इच्छा है। It is the will of God. It is the will of God. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स फिलहाल तुम यह कर सकते हो। For the time being you can do this. फॉर द टाइम बींग यू कैन डू दिस फ़िलहाल के लिए हम इंग्लिश में फॉर द टाइम बींग यह यूज़ कर सकते हैं उसके मुँह में पानी आ गया हर माउथ वॉटर्ड हर माउथ वाटर्ड नेक्स्ट वन इज तुमने क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया आई डेंट अंडरस्टैंड वॉट यू सेड आई डेंट अंडरस्टैंड वॉट यू सेड मुझे तुम्हारी बातें कभी समझ नहीं आती I never understand your words. I never understand your words. Next one is उसने मेरे सर पर मारा. She hit me on my head. She hit me on my head. उसे घर बुला कर लाओ. तो friends इसे हम बोलेंगे bring her home. Bring her home. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मुझे पूरी आशा है कि ये सारे सेंटेंसेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और ये सारे सेंटेंसेस आपके डेली रूटीन में ज़रूर काम आएंगे तो फ्रेंड्स जाते जाते कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ उनकी प्रैक्टिसिंग टेक केयर बाय बाय